ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान आपको सर्दियों में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहली बात, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो बहुत ही ज्यादा ठंडी और सूखी हवा चलती है, जिस वजह से आपकी स्किन अपना जो प्राकृतिक मॉइस्चराइजर एंड ऑयल होता है वो खो देती है और बहुत ही ज्यादा ड्राई ड्राई रहने लगती है। एंड इसके साथ ही आपके ओट एंड आपकी एड़ियां भी फटना स्टार्ट कर देती हैं। आपको अपनी स्किन को सर्दियों में बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना है। आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपनी पूरी बॉडी में लोशन एंड बादाम तेल या फिर नारियल का तेल जरूर लगाना है। एंड स्पेशली आपको अपने पेट पर एंड पैरों पर और हाथों पर जरूर लगा के रखें, नहीं तो आपको ड्राइनेस की वजह से बहुत ही ज्यादा खुजली महसूस होगी। आपको सर्दियों में गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी से नहाना है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से नहाती हैं तो आपकी स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी एंड आपको और ज्यादा खुजली की प्रॉब्लम होगी। और आपको नहाने के तुरंत बाद पूरी बॉडी में लोशन जरूर लगाना है, आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें। सर्दियों में आपको प्यास बहुत ही ज्यादा कम लगती है, बट फिर भी आपको पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में पीना है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी और एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है वो भी कम होने लगेगा। आप सर्दियों में अगर हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पिए, ये आपको और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आपको बहुत ही जल्द सर्दी खांसी और जुकाम भी नहीं होगा। और आप सर्दियों में अदरक वाली चाय बिल्कुल पी सकती हैं। आप 1 कप सुबह एंड 1 कप शाम को जरूर पिए और आप अदरक हल्की मात्रा में डालें। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप सर्दियों में जो भी ठंडे फल खाती हैं या फिर कोई भी ठंडी चीज खाती हैं वो आपको धूप में बैठकर ही खानी है, इससे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। और आपको सुबह एंड रात को बिल्कुल भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको सर्दी खांसी और जुकाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। और आपको अपने ओठों में लिप बाम वगैरह बिल्कुल लगा के रखना है ताकि आपके ओंट फटे ना। एंड अगर आपकी एड़ियां फट जाती हैं, आपको अपनी फटी एड़ियों में विटामिन ई के कैप्सूल ग्लिसरीन में मिक्स करके लगाना है, जिससे कि आपकी एड़ियां बहुत ही जल्द ठीक हो जाए। और आपको विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन जरूर करना है, जैसे कि संतरा, कीवी, आंवला, मौसमी और नींबू का सेवन जरूर करें। आपको सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करना है, इससे आपकी बॉडी को गर्माहट मिलेगी और आपको सर्दी वगैरह भी जल्दी नहीं होगी। आपको डेली 2 से 4 बादाम एंड 1 से 2 अंजीर, थोड़े किशमिश एंड 2 से 4 खजूर डेली खाएं, ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। और आपको सर्दियों में केसर डाल के दूध जरूर लेना है, ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और अगर आप सर्दियों में हल्दी वाले दूध का सेवन करती हैं, तो इससे भी आपको सर्दी खांसी और जुकाम नहीं होगा। और आप गुड़ के साथ मूंगफली के दानों का सेवन जरूर करें, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। और इसके अलावा सर्दियों में बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, आप उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेंगे। और आपको सर्दियों में अपनी पूरी बॉडी को ढक कर ही रखना है एंड आपको अपने पैरों में गर्माहट रखनी है, नहीं तो आपके पैरों और हाथों में बहुत ज्यादा सूजन भी आ सकती है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले।